ओम शांति 22/5/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बन कर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है, फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन की आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है, इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि